तो आज हम लोग SS में चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स। इस चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसे बना था, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये एक्चुअली कैसे बना था उसके बारे में हमने समझा था। कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का सोल जो प्रीएम्बल कहलाता है, उसके बारे में हमने समझा था। और साथ ही में प्रीएम्बल के तीन मेन पिलर्स हमने समझे थे, प्रीएम्बल के तीन पिलर्स जो डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म, इसके बारे में समझा था। और उसके आगे हम लोग पॉइंट कंटिन्यू कर रहे थे जो है बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कौन कौन सी खासियतें हैं, जिनमें से कुछ खासियत हमने कल समझी थी और उसी को ही आगे आज कंटिन्यू करें। बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करें। जिसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, वो है यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस। यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस, समझना, पहले समझो क्राइसिस किसे कहते हैं। क्राइसिस का मतलब होता है कि जब कोई आपत्ति आ पड़े, कोई मुसीबत आ पड़े, कोई ऐसी सिचुएशन कि जिस सिचुएशन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता हो, तो वो सिचुएशन ना यहाँ पर क्राइसिस कहलाती है। हमारे यहाँ पर जैसे कि जो गवर्नमेंट के रूल्स चलते हैं वो हर स्टेट के अलग अलग रूल्स होते हैं। कल हमने समझा था ना, हर स्टेट, इवन उसके बाद हर सिटी के अपने अपने रूल्स होते हैं। आप जो सिटी में रहते हो तो वहाँ की म्यूनसिपैलिटी, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो अपने रूल्स बनाते हैं ना। हमारी सिटी में देखो ट्रैफिक के ये रूल्स हैं, अगर ये रूल तोड़ा तो इतना आपको जो है वो फाइन लगेगा, इसको ऐसे चलाना है। हर एक के रूल्स होते हैं कि नहीं होते है ना, हर सिटी के अलग रूल्स होते हैं, हर स्टेट के अलग रूल्स होते हैं, और इन सबको कंट्रोल करता है मेन सेंट्रल गवर्नमेंट, वो मेन कंट्रोल करते हैं। तो इसमें जब क्राइसिस का टाइमिंग आता है, जब मुसीबत आ पड़ती है कोई भी एक प्लेस पर, फिर वो नेचुरल कैलिमिटी हो या तो फिर आर्टिफिशियल हो, तब उस वक्त उस गवर्नमेंट को, मतलब फिर वो सिटी की गवर्नमेंट हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो, उस गवर्नमेंट को अपनी प्लेस से हटाकर सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लेती है। इसे कहते हैं एमरजेंसी सिचुएशन। इसे क्या कहते हैं, एमरजेंसी लाना। जैसे इमेजिन करो कि जैसे बॉम्बे में कुछ साल पहले है ना टेररिस्ट अटैक हुआ था, तब उस वक्त जो आतंकवादी मुंबई में चले आए थे, तो पूरी मुंबई को संभालना मुश्किल हो चुका था। पूरी मुंबई में जो है वो भागा दौड़ी मच चुकी थी, हर तरफ आतंकवादी मार रहे थे लोगों को, बहुत ख़राब सिचुएशन थी। तो जो मुंबई की म्यूनसिपैलिटी थी ना, वो उस सिचुएशन को नहीं संभाल पा रही थी, तो ऑन द स्पॉट उस जगह पर एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। और वहाँ पर जो है वो कौन आ गए, वहाँ पर कौन आ गए, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलिट्री वहाँ पर आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिलिट्री वहाँ पर आ गई, और उन्होंने जो है वो पूरा अपने कब्जे में कर लिया, सब चीज़ें अपने कब्जे में कर ली। इसे एमरजेंसी कहते हैं कि जब कोई भी तरह की सिचुएशन, बुरी सिचुएशन आ जाती हो, तो उसके रूल्स हट कर वो ऑन द स्पॉट मिलिट्री के रूल्स वहाँ पर आ जाते हैं, जिसमें फिर कोई भी दूसरे रूल्स, कोई भी तरह के जो है वो नियम नहीं चलते, सिर्फ जो मिलिट्री बोले वही। मिलिट्री अगर कहेगी कि अभी कर्फ्यू है और किसी को बाहर नहीं निकलना है, मतलब कंपलसरी किसी को बाहर नहीं निकलना है, सही बात है ना, उस वक्त अगर कोई ऐसा कहेगा ना कि भाई मुझे तो राइट है, मुझे तो हक है घूमने फिरने का, मैं तो घूमूंगा, तो वो गलत है ना, मिलिट्री उसे मार भी सकती है। इसीलिए ये जो है वो स्ट्रिक्ट रूल्स कि सिर्फ मिलिट्री रूल्स यहाँ पर चलते हो, वो एमरजेंसी सिचुएशन आती है कि उस वक्त यूनिफाइड अरेंजमेंट होता है, जो नाम है ना पॉइंट का, यूनिफाइड अरेंजमेंट। यूनिफाइड अरेंजमेंट का मतलब कि एक जैसा अरेंजमेंट उस सिचुएशन में, और किसी की नहीं चलती, सिर्फ फिर जो सरकार बोले उसी की ही चलेगी और किसी की भी नहीं। ऐसी तीन तरह की अरेंजमेंट, तीन तरह की समझो एमरजेंसी होती है। एक कहलाती है नेशनल एमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी वो होती है कि जब कोई प्लेस में वॉर हो जाए, कोई एक्सटर्नल अटैक या तो टेररिस्ट अटैक हो जाए,
है ना, बाहर के आतंकवादी अगर कोई एरिया में चले जाते हो तो उस वक्त नेशनल इमरजेंसी आती है। दूसरा एक इमरजेंसी आती है तो वो आती है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ये इमरजेंसी वो कहलाती है कि जिस वक्त जो है कोई भी एरिया में लोग लॉ एंड ऑर्डर मानना भूल चुके हो, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर मतलब नियम कानून कुछ भी न मानते हो, तो उसे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर न मानना मतलब कि जैसे कि कोई एरिया या तो फिर कोई सिटी में जो है वो दंगे फसाद हो जाते हो, रायट्स हो जाते हो, तो उस वक्त कोई लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करता, कोई नियम कानून नहीं मानता, लोग जो है वो बसें जलाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, रैलियां निकालते हैं, सब नियम के खिलाफ है, लेकिन ये सब चीज़ें की जाती है। तब जब लोग ऐसी बातें ना माने और इतनी ख़राब सिचुएशन हो जाती है सिटी में, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहते हैं। या तो फिर तीसरी आती है, वो आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, कि जब कोई सिटी, कोई स्टेट या कोई प्लेस वो जो है वो कर्जे में डूब जाता हो, जहाँ पे पैसे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हो और उस जगह का प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो पाता हो, सही तरह से मैनेजमेंट ना होता हो, तो उसे कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो समझो ये पहला ही पॉइंट है, यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस, कि जिसमें ये तीन तरह की इमरजेंसी खास सिचुएशन में लगाई जाती हैं। जब ऐसी स्पेशल सिचुएशंस हो तब ये तीन इमरजेंसी होती है, एक नेशनल इमरजेंसी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। उसके बाद ये, हाँ ये सब चीज़ें हैं ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, हमारे कानून में लिखी गई है कि जब ये सिचुएशन आए तब उस वक्त ऐसी इमरजेंसी लगाते हैं। और इसके बाद ही देखो ये दूसरा फीचर्स आता है, जो बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन है कि हमारे यहाँ पर कैसा सिस्टम चलता है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब क्या, कि यहाँ पर जो है कोई एक ही ग्रुप वो पूरी इंडिया को नहीं संभालता, लेकिन हर एक के लिए अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं। कि जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, दो हाउसेस बनाए जाते हैं, दो हाउस आते हैं, जैसे कहते हैं अपर हाउस और लोअर हाउस, हमारी गवर्नमेंट के दो हाउस होते हैं है ना, अपर एंड लोअर हाउस। अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं और लोअर हाउस को क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं। कि जिसमें लोकसभा होते हैं ना, उन लोकसभा को ही मेंबर्स को हम लोग पसंद करते हैं, हम लोग जो वोट देते हैं तो सब मेंबर्स लोकसभा में जाते हैं, और उनसे हायर होता है वो होता है राज्यसभा, ठीक है ना, उसके ऊपर राज्यसभा होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा और राज्यसभा ऐसे दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इनके बारे में ना काफ़ी डिटेल में वो हमारे आगे के चैप्टर्स में है, लेकिन हाँ अभी सिर्फ इतना जाने कि ऐसा ये सिस्टम, उसे पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। आप लोगों ने टीवी में कितनी बार वो पार्लियामेंट देखा होगा, नहीं संसद देखा होगा ना, कि जहाँ पे सब नेता है ना एक रूम में बैठते हैं, जो वो राउंड जो है वो चेयर्स होती हैं, कि जिसके अंदर जो है वो सब कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये पार्लियामेंट हाउस होता है, कि जो जनरली दो हाउस उनमें होते हैं, लोकसभा लोअर हाउस और राज्यसभा अपर हाउस। वैसे ही जो है हर एक स्टेट में भी होता है, हर एक स्टेट में भी लोअर हाउस एंड अपर हाउस होता है, कि जिनमें लोअर हाउस वो हर स्टेट में होता है लोकसभा, लेकिन अपर हाउस वो कोई कोई स्टेट में होता है और कोई स्टेट में नहीं होता। अपर हाउस सेंट्रल में तो होता ही है, मेन गवर्नमेंट में तो होता ही है, लेकिन बाकी में कोई प्लेस पर होता है और कोई प्लेस पर नहीं, कोई स्टेट में होता है कोई स्टेट में नहीं होता, ठीक है ना, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। इसमें देखो लोअर हाउस भले लोकसभा है और अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंस वो लोअर हाउस की ज़्यादा है ना, लोकसभा की इम्पोर्टेंस राज्यसभा से ज़्यादा होती है। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो हम लोग आम जनता जो पीपल होते हैं वो पसंद करते हैं, लोकसभा के मेंबर्स कौन बनेंगे, हम जब इलेक्शन के टाइमिंग में वोटिंग देते हैं तो उनमें से लोकसभा के मेंबर्स बनते हैं, और राज्यसभा के मेंबर्स वो जनरली प्रेसिडेंट चुनता है, वो लोग खुद उनको पसंद करते हैं।
इसीलिए लोकसभा की इम्पोर्टेंस राज्यसभा की इम्पोर्टेंस से ज़्यादा मानी जाती है। ओके तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है, उसके बाद है इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक खास फीचर आता है कि जुडिशियरी, जुडिशियरी मतलब कहते हैं यहाँ की अदालतें, यहाँ की अदालतों के लिए बाकी सबसे अलग कानून बनाए गए हैं, इंडिपेंडेंट रखा गया है। यहाँ की जो अदालतें हैं वो बाकी सबसे बिल्कुल अलग हैं, है ना, इंडिपेंडेंट रखा गया है। और यहाँ पे जो भी फैसला लिया जाता है ना वो बिल्कुल इम्पार्शियल, कोई भी तरह की पार्शियलिटी के बिना, है ना। यहाँ पे अदालतों को इतनी आज़ादी दी गई है कि वो अपने हिसाब से सोच समझ कर फैसला ले सकते हैं, किसी के भी दबाव में आकर नहीं। पता, अगर हमारी अदालतों को जो है वो ये उसके लिए अलग कानून ना बनाते, उसे इंडिपेंडेंट ना रखते ना, तो क्या होता, फिर जो भी इंसान जो है वो कोर्ट में जाता ना लड़ाई लड़ने के लिए, तो वो जज को पैसे खिलाकर, उन्हें रिश्वत देकर, फिर अपने नाम पर जो है वो फैसला करवा लेता। इसकी वजह से जो बेगुनाह होते वो भी फंस जाते और जो गुनहगार होते वो भी छूट जाते, ऐसा होता ना। इसीलिए हमारे अदालतों को इतनी आज़ादी दी गई है कि अदालत के जो जज होते हैं ना, वो जज जो फैसला सुनाते हैं ना, उसको कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या कंट्री के प्रेसिडेंट भी बदल सकते नहीं हैं। अदालतों का फैसला वो जो है वो आखिरी फैसला कहलाता है, इसलिए उनको इंडिपेंडेंट रखा गया। और उनमें हमेशा इम्पार्शियल जुडिशरी होता है, कोई भी पार्शियलिटी नहीं, कोई भी तरह का भेदभाव नहीं कि अमीर है तो उसके लिए अलग रूल्स लिखेंगे या फिर गरीब है तो उसके लिए अलग फैसला लें, ऐसी कोई तरह का भेदभाव उसमें होता नहीं है। सही बात है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया, और वो जुडिशरी भी जो है वो हमारे यहाँ पर तीन लेवल में आती है। तीन लेवल की जुडिशरी होती है ना, एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब सिटी के लेवल में, एक उसके ऊपर सबसे पहले केस जो भी होता है ना वो जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके ऊपर वो होता है स्टेट लेवल पे, जो हाई कोर्ट होती है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है सिटी में। अगर सिटी में आपको केस जो है वो सही नहीं लगा, पहले वो जो फैसला सुना है वो फाइनल होता है, लेकिन अगर बाय चांस आपको वो फैसला सही नहीं लगा और उसमें आपको जो है वो ये चेंज करना है, तो उसके बाद आगे जाता है वो, उसके बाद आगे जाता है तो वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट कोर्ट होती है पूरे स्टेट की एक, जैसे कहते हैं हाई कोर्ट। और अगर हाई कोर्ट में जो भी फैसला सुना है वो फैसले में अगर किसी को पसंद नहीं आता है तो उसके बाद वो फैसला आगे जाता है, मतलब उसको आप बदल सकते हो, तो वो जाता है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में, पूरी कंट्री की एक मेन कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना है ना, उस फैसले को सबको मानना पड़ता है, वो फैसले को कोई बदल सकता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर जुडिशरी के लिए भी एक अलग से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए हैं। दूसरा आता है उसके बाद का कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर आता है, वो आता है अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशंस, अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है चेंज। आपने आगे पढ़ा ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा गया, उसे मेनली लिखने में 3 साल लगे थे, जिसमें हर छोटी छोटी बात डिटेल में सोची गई, समझी गई, फिर उसके ऊपर फैसला लिया गया, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस करने हो तो क्या पॉसिबल है, मतलब कोई नया कानून बनाना हो, कोई पुराना कानून बदल देना हो, तो क्या वो पॉसिबल है ऐसे चेंजेस? तो हाँ पॉसिबल है, लेकिन वो चेंजेस इजीली नहीं होते, आराम से नहीं किए जाते वो चेंजेस। उन चेंजेस के लिए जो है वो फिर स्पेशल एक प्रोसीजर होती है। इस प्रोसीजर में अगर कोई भी तरह का अमेंडमेंट, कोई भी तरह का चेंजेस करना हो ना, तो वो चेंजेस मेनली होता है पार्लियामेंट में। अभी हमने देखा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब जो अपर हाउस और लोअर हाउस होते हैं, सबसे पहले कोई भी चेंज करना हो, जैसे सपोज कि अगर कोई नया कानून बनाना है तो उसके लिए ना सबसे पहले लोकसभा में जाते हैं, लोअर हाउस में। लोकसभा में ना पहले डिस्कशन होता है,
भाई ऐसा नया कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस होने चाहिए नहीं होने चाहिए। अगर समझो लोकसभा में सब लोग हाँ बोलते हैं ना, जिसमें करीबन 2/3 जितने मेंबर, 2/3 मतलब 66% जितने मेंबर्स की मेजोरिटी होनी चाहिए, 66% लोग अगर हाँ बोलते हैं ना तो वो कानून बनने के लिए तैयार होता है। लेकिन फिर भी लोकसभा के बाद फिर वो आगे जाता है, वो जाता है राज्यसभा में, राज्यसभा में जाता है कि फिर राज्यसभा में भी डिस्कशन होता है कैसा नया कानून बनना चाहिए, कैसा कानून बनेगा तो हमारे देश में उससे क्या फ़ायदे होंगे क्या नुकसान होंगे, तो वो सब राज्यसभा में भी डिस्कस होता है और उसमें भी 2/3 मतलब के 66% जितनी मेजोरिटी होनी चाहिए। अगर इतने लोग हाँ बोलते हैं ना तो उसके बाद फाइनली वो जाता है कंट्री के प्रेसिडेंट के पास, कि फाइनली जब प्रेसिडेंट ऐसा हाँ कहे कि नहीं बिल्कुल सही है और ऐसा कानून बनना चाहिए तो वो कानून कंप्लीट होता है और फिर पूरे कंट्री के लिए वो नया कानून बनता है। सही बात है ना? तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में जब कोई अमेंडमेंट्स करने हो ना, चेंजेस करने हो, तो वो चेंजेस ईजी नहीं होते, उसे एक स्पेशल प्रोसीजर के साथ फॉलो करना पड़ता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा एक फीचर आता है आखिरी में जो लिखा हुआ है, वो है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मीन्स ये इसका मीनिंग वो कहलाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ऐसा कि कंट्री का कोई भी सिटीज़न जिसकी एज 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा है ना, तो वो पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली या कोई भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कोई भी तरह का इलेक्शन हो ना, तो उस इलेक्शन में वोट दे सकता है। कोई भी तरह का इलेक्शन हो तो उसमें वोट दे सकता है, ये उसे राइट मिलता है, ये हक मिलता है उसे वोट देने का। इसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, बराबर। इसके बाद दूसरे फीचर्स आते हैं, वो फीचर्स आता है सेक्युलरिज्म। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा फीचर्स वो सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म के बारे में आगे भी हमने समझा प्रीएम्बल के जो 3 पिलर्स थे उसमें। सेक्युलरिज्म ये आता है कि हमारी कंट्री में कोई भी एक रिलीजन को मेन नहीं माना जाता, यहाँ पे सभी रिलीजन को इक्वल माना जाता है, ठीक है ना। जितने भी रिलीजन हैं सबको इक्वली माना जाता है, किसी में कोई तरह का भेदभाव किया जाता नहीं है। यहाँ पर जो भी रूल्स बनते हैं वो सब रिलीजन के लिए एक जैसे, कि जो भी चेंजेस होते हैं वो सभी रिलीजन के लिए एक जैसे, या फिर अदालतों में जो भी फैसले भी सुनाए जाते हैं ना, तो वो भी सब रिलीजन के लिए एक जैसे फैसले सुनाए जाते हैं, इसे कहते हैं सेक्युलरिज्म। और यहाँ पर कोई भी पर्सन को कभी भी कोई भी तरह का जोर ज़बरदस्ती नहीं किया जाता कि भाई तुम्हें ये रिलीजन छोड़कर ये रिलीजन अपनाना चाहिए, या तुम्हें ऐसा काम भाई ये रिलीजन में ज़्यादा जो है वो तुम्हें वर्क करना चाहिए, ये फेस्टिवल तुम्हें मनाना चाहिए या ये तुम्हें नहीं मनाना चाहिए, ऐसी कोई तरह की पाबंदी होती नहीं है। यहाँ पे सभी रिलीजन और सभी लोगों को एक जैसा माना जाता है, इसे कहते हैं सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म के बाद दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर आता है, वो आता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू इसका मतलब क्या, कि जैसे अभी हमने बताया कि जुडिशियली मतलब के जो अदालतें कहते हैं, तो जैसे हमने अभी समझा कि हमारी जो भी अदालतें हैं ना, वो अदालतें 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं, मेन 3 पार्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट, और फिर सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट। इनमें हर रोज़ बहुत सारे केस चलते रहते हैं इन अदालतों में, है ना। ये अदालतें कभी खाली नहीं बैठती, इसमें हमेशा कोई ना कोई केस चलता ही रहता है, और इन केसों के ऊपर है ना हमेशा रिव्यू होता रहता है। जुडिशियल रिव्यू मतलब कि भाई रिव्यू होता रहता है, चेक होता रहता है। अगर समझो कोई सिटी में कोई केस चल रहा है, वो केस पूरा हुआ तो उसके लिए फैसला सुनाया जाता है ना, तो उस फैसले के ऊपर फिर से रिव्यू वो करते हैं, फिर से चेक करते हैं कि भाई जो भी जज ने ये फैसला सुनाया क्या वो सही है। कोई पर्सन चेक करे या ना करे, हमारी अदालतें खुद ही वो चेक करती हैं कि क्या ये फैसला सही है, कि कहीं सरकार से कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई। और अगर अगर गवर्नमेंट को खुद लगे ना कि भाई हमारे फैसले में जो है वो कुछ मिस्टेक हो चुकी है,
तो वो खुद उसको चेंज करने के बारे में सोचते हैं। मतलब जितने भी केस पूरे इंडिया में रोज होते हैं ना, वो हर चेक हर केस को रीचेक किया जाता है, फिर से चेक किया जाता है, फिर से उसका रिव्यू जो है वही किया जाता है कि जिससे अगर केस में कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व किया जाए। ओके, फिर ये जो जुडिशियल रिव्यू है उसके बाद का फीचर आता है, वो फीचर आता है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज वो कहते हैं कि हमारे इंडिया में हमारे लोगों को, हर एक सिटीज़न, जो इंडिया की पॉपुलेशन पता है ना, कुछ करीबन 130 करोड़ के आसपास है अभी की पॉपुलेशन, तो ये जितनी भी पॉपुलेशन है ना, तो वो पॉपुलेशन को इजीली और आराम से इस कंट्री में रहने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ उन्हें राइट्स दिए हैं, मतलब कुछ हक दिए हैं, और साथ में कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ फ़र्ज़ हैं हमारे हर सिटीज़न के, कि जो हर सिटीज़न को हमारे देश के लिए काम करना है ना। ये राइट्स एंड ड्यूटीज़, इन राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में कहते हैं कि हमारे इंडिया में टोटल यहाँ के लोगों को 6 राइट्स मिले हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स, और दूसरा 14 जितनी ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिनके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे क्लियरली। मैं नेक्स्ट चैप्टर ही है फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद दूसरा आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी हमारे नेक्स्ट चैप्टर का एक पॉइंट है, डिटेल में पूरे चैप्टर में है, लेकिन अभी से उसको बेसिक नॉलेज देते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसका मतलब क्या, कि ये पॉलिसी या इस रूल के हिसाब से हर स्टेट को ये आज़ादी होती है, हर एक स्टेट को ये आज़ादी दी जाती है कि वो स्टेट अपना जो है वो डेवलपमेंट अपने हिसाब से कर सकता है, कि उसको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पूछने की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, अपना डेवलपमेंट कर सकता है, अपने लिए नए रूल्स बना सकता है। इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, कि जैसे कि हम लोग गुजरात में कहते हैं, तो गुजरात में एक रूल है कि गुजरात में दारूबंदी है, नहीं एक रूल बनाया गया है कि भाई यहाँ पर दारूबंदी है, मतलब यहाँ पर अल्कोहल प्रोहिबिटेड है, ठीक है, पीने की मनाही है। तो ये रूल सिर्फ गुजरात गवर्नमेंट ने बनाया है और कोई गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, तो ये गुजरात गवर्नमेंट को ये आज़ादी है ना, ये हक मिला हुआ है ना कि वो अपने हिसाब से ऐसा रूल बना सकती है। ये जो राइट, ये जो हक मिला है ना, इसे ही कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि हर स्टेट अपने हिसाब से अपना रूल बना सकता है। और उसके बाद दूसरा फीचर आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, आखिरी फीचर, जिसे कहते हैं प्रोविजन फॉर बैकवर्ड सेक्शन एंड ट्राइब्स। प्रोविजन फॉर बैकवर्ड सेक्शन एंड ट्राइब्स, आपको पता है ये बैकवर्ड सेक्शन और ट्राइब्स कौन कहलाते हैं? ऐसे लोग हमारे इंडिया में कि जिन्हें जो है वो पूरी फैसिलिटीज़, कोई भी चीज़ की पूरी फैसिलिटीज़ और पूरी चीज़ें नहीं मिल पाती, तो वो लोग जो है वो बैकवर्ड क्लासेस कहलाते हैं। आप लोग जैसे घर में रहते हो आराम से, तो आपको हर चीज़ मिलती है, खाने पीने के लिए अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे घर में रहना, अच्छी चीज़ें, मोबाइल कंप्यूटर सब चीज़ें यूज़ करना अच्छी तरह से, ये सब चीज़ें मिलती हैं। लेकिन हमारे इंडिया में काफ़ी जगह पर ऐसे लोग भी हैं कि जिनको कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, बेसिक खाने पीने की चीज़ें भी उन्हें पूरी नहीं मिलती हैं, ये लोग हैं ना बैकवर्ड सेक्शन के ट्राइब्स या लोग कहलाते हैं। इनके बारे में कहो ना, तो सोचो ये लोग अपना डेवलपमेंट कैसे करते होंगे। आप लोग कैसे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी मिले आपको, आप लोग अच्छा बिजनेस शुरू कर पाते हो और ख़ुद को आगे बढ़ाते हो, खुद का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा करते हो, ये लोग कैसे करेंगे? इनके पास तो कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, इसीलिए इन लोगों के लिए ना गवर्नमेंट सोचती है और गवर्नमेंट इन लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाती है। स्पेशल प्रोविजंस मतलब कि स्पेशल रूल्स बनाती है कि जिन रूल्स की वजह से ये लोग जो है वो आगे बढ़ पाते हैं। जैसे इनके लिए गवर्नमेंट कुछ रिजर्वेशंस रखती हैं, कुछ सब्सिडीज़ रखती हैं, कुछ जो है वो छूट छाट देती हैं। आप लोगों को एक एग्जांपल पता होगा कि आप लोग जैसे स्कूल में पढ़ते हो ना, तो उसमें बोर्ड की एग्ज़ाम में जनरली आप लोगों को पासिंग के लिए 35% मार्क्स ज़रूरी होती हैं, 33 या 35% मार्क्स।
लेकिन फिर जो है बैकवर्ड सेक्शन के लोग होते हैं ना, तो इनके लिए गवर्नमेंट रूल बनाती है कि इनको जो है वो 35% नहीं, लेकिन सिर्फ क्या कहो हम लोग कि इनके लिए सिर्फ 25% मार्क्स में भी पासिंग दी जाती है। ये इनके लिए स्पेशल रूल्स हैं कि इनको 35% नहीं, 25% पर भी इनको पासिंग मिल जाती है कि नहीं? ये स्पेशल रूल्स इनके लिए है ना। वैसे ही जो है दूसरा कि जैसे कॉलेज में एडमिशन होता है, तो कॉलेज में एडमिशन के लिए भी जो है वो ऐसे बैकवर्ड सेक्शन के लिए कुछ रिजर्वेशन रखते हैं, कुछ फिक्स सीट रखते हैं कि इन लोगों को पहले एडमिशन मिलेगा क्योंकि ये लोग आगे बढ़ सकें उसके लिए। कभी गवर्नमेंट में जॉब हो ना, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी इन लोगों के लिए स्पेशल सीट्स रखी जाती हैं कि गवर्नमेंट जॉब में भी इनको पहले जॉब मिले। तो ये सब स्पेशल प्रोविजंस इनके लिए रखे जाते हैं कि जिससे ये जो बैकवर्ड क्लासेस के पर्सनस हैं वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ सकें। इनके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में जो है वो ये सब चीज़ें लिखी गई हैं, बराबर। तो ये सब हमने कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स देखे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, इमेजिन तो करो अभी तो हमने ये इतनी चीज़ें पढ़ी, इसके अलावा भी हज़ारों चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है और सब डिटेल्स में। इनकी वजह से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, सही बात है ना। तो आज जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन का ये चैप्टर देखा ना, ऐसे ही हम लोग एसएस के दूसरे चैप्टर्स अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।